वेलकम बैक टू न्यू कैसे हैं आप सब उम्मीद करती जहा भी होंगे हैप्पी हैप्पी अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे होंगे आज का जो ब्लॉग है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी पूरी डिनर की रूटीन कि मैं डिनर कैसे सबके लिए प्रिपेयर करती हूँ आप लोगों को पता है कि मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं उन सबको पता है कि मैं एक ज्वाइंट सिस्टम में रहती हूँ और मेरी काफी बिग फैमिली है और अभी यहाँ पे जी मैं सबके लिए मजेदार सा यो में योमिशा डिनर बना रही सेकेंडली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मेरी और उमेश की आज जो लड़ाई हुई है वो किस बात पे हुई थी तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा सबसे पहले अभी मैं क्या कर रही हूँ वो मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं यहाँ पे बनाने लगी थी मजेदार चटपटी सी भिंडियों का सालन भिंडियों को मैंने फ्राई करके एक पॉट में रख लिया था और प्याज को भी मैंने शैलो फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था जब तक प्याज शैलो फ्राई होता है तो मैंने सोचा कि टमाटर और हरियों मिर्चों को ब्रीक ब्रीक चॉप कर लेते हैं मैंने वॉश करके already already know. चिक्कू में डाल के अपने पास में रखे थे टमाटर हरी मिर्ची ताकि मुझे बैक एंड फोर्थ ना जाना पड़े अच्छा जी फ्रेंड्स आप लोग ये भी सोच रहे होगा कि मैं तो हमेशा जब भी व्लाग करती हूँ तो मैं ना जैसे जैसे ब्लॉगिंग करती हूँ वैसे वैसे बोलती हूँ आज वॉइस ओवर क्यों कर रही हूँ तो ये भी बात मैं क्लियर कर लूँ क्योंकि आपको पता है मैं जब आज का ब्लाग बना रही थी मैं नीचे किचन में काम कर रही थी तो पीछे सबकी वॉसें ना रिकॉर्ड हो रही थी तो मैं बार बार ना कट करके डिलीट करके उनको कह रही थी कि चुप कर जो मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मुझे फिर अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ना ब्लॉग पूरे को ना वॉइस ओवर कर लिया करो क्योंकि फिर किसी को मना करो कि आप ऐसा नहीं करो ऐसा करो तो फिर छोटी छोटी बात का गुस्सा करके तो लड़ाई झगड़े से अच्छा है कि ना आप ना वॉइस ओवर कर लो आराम से और अभी यहाँ पे जी मैंने टमाटर हरी मिर्चों को ऐड करने के बाद यहाँ पे जो घर के सारे मसाले थे जल्दी जल्दी उनको ऐड करना था मसाले मैं प्लेट में नहीं निकालती सामने तो एफ, क्लोज़ेट में होते हैं खोलो और जितनी मकदार आपने डालनी हो आप डालो और मसाला अच्छे से भुन चुका था अभी जल्दी से मैंने ऐड कर दी थी यहाँ पे जी भिंडियाँ और अच्छे से इनको अभी मसाले को और भिंडियों को मिक्स कर लेते हैं और फिर कवर करके इनको स्टीम में अच्छे से पकने के लिए रख देंगे जब भी मेरी और उमैस की कभी जैसे छोटी छोटी बातों पे ना नोक छोक हो जाए ना लड़ाई हो जाए तो ना बस क्या होता है कि फिर आप मुझे किचन में खड़ा कर दें और सारा दिन खड़ा करके जितनी मर्जी मेरे से कुकिंग करवा लें मैं कुकिंग करूँगी मैंने कुछ भी नहीं मैंने रुकना भी नॉन स्टॉप लगी रहने लगे क्योंकि मुझे इस वक्त होता है गुस्सा और जब आपको पता है गुस्सा आया होता है ना बंदे को तो उस वक्त ना कुछ समझ नहीं आता जो आ, 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 क्लीनिंग करना हो जो मेरा दिल करेगा ना मैंने बस लगी रहना होता है कभी चीज़ें उठा के इधर को कभी उधर को और वैसे भी जब आप किचन में हो तो आपको चाहिए कि एक जगह बिल्कुल खड़े ना हो हमेशा जब किचन में हो किचन को साथ साथ अगर आप सालन बना रहे हो तो साथ साथ ना अपने काउंटर वगैरह को क्लीन करते जाओ ये नहीं कि मतलब आप अगर सालन बना रहे हो तो आसपास में हर तरफ ना गंद मचा हो तो फिर वो चीजें अच्छी नहीं लगती क्योंकि अगर आप किचन में खड़े हो तो इस वक्त पूरे किचन का जो ना जिसको बोलते हैं वो मालकन हो आप इस वक्त पूरे किचन के तो आपका काम है कि आप पूरे किचन को ना चमका धमका के रखो अभी यहाँ पे जी उमैस आ गए थे तो उमैस ने मुझे बिल्कुल भी एक बार नहीं कहा कि ना हम मुझे ना खाने को कुछ दे दो मुझे बहुत ही भूख लगी अपनी मर्जी से आए और ना एयर फ्राई में चिकन में रखा और ना चिकन प्रपेयर करके ना उन्होंने खाना शुरू कर दिया मैंने तो कहा था चलो ऊपर से नीचे आएंगे तो ना मुझसे मुझे बुला लेंगे लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया लेकिन कोई बात नहीं लेकिन थोड़ी देर तक मैं भी बुला लूँगी लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि हमारी बात किस बात पर लड़ाई हुई थी लड़ाई इस बात पर हुई की थी जब से उमैस पाकिस्तान से वापस आए उमैस क्या करते थे अपनी रूटीन नहीं ठीक करते थे जब भी मेरा डिनर का टाइम होता था मैंने नीचे काम करना होता है आपको पता है फिर बच्चों को भी देखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था तो मैं मैं इसको कहती थी आप अपनी रूटीन को थोड़ा सा चेंज करें मैस काम पे जाते थे काम से वापस आकर फिर आराम से सो जाते थे और फिर लेट दस ग्यारह बजे उठते थे तब तो तक मैं अपना डिनर बना के बच्चों को खाना जाना खिला के ऊपर भी ले आती थी हमारे सोने का टाइम हो जाता था तो बस इस छोटी सी बात में ना हमारी लड़ाई हुई थी लेकिन है ना आपको पता है सुला भी हो जाएगी इन ताला जल्दी लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ जितने भी हस्बैंड वाइफ है ना ज़्यादा देर तक नहीं लड़ना चाहिए अगर आप लड़ो भी ना तो थोड़ी मतलब वन डे टू डे चले तो बस दैट्स गुड नो मोर देन दैट बिकॉज अगर आप ज़्यादा ही चीज़ों को खींचोगे ना तो आपके ही रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आते हैं छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए आपस में प्यार मुहब्बत के साथ हैप्पी हैप्पी अपनी ना लाइफ को गुजारना चाहिए और में तो वैसे ही इतना ज़्यादा स्ट्रेस है दो तो अगर घर में भी लड़ाई झगड़ाई ट्वेंटी फोर आवर रखेंगे तो फिर लाइफ को गुजारना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अभी यहाँ पर जब मैं गूंने लगी थी आटा क्योंकि मैंने चेक किया तो मुझे था कि शायद मम्मी ने ना आटा गून लिया हो जब ब्रेकफास्ट में तो पता सुबह सुबह जब मम्मी ब्रेकफास्ट बनाती है ना तो फिर आटा एक्स्ट्रा गूंध लेते क्योंकि जो फ्रेश आटा गूंदा होता है ना उसकी जो रोटियां ना इतनी मज़ेदार नहीं बनती मतलब मेरा कहने का मतलब है मज़ेदार तो बनती हैं वो उसका क्या है शेप नहीं अच्छी आती ना तो आटा जितना थोड़ी देर पहले का गुना हो विस्मा हो तो फिर एक तो गोल मटोल टोल से फुलके उतरते हैं और फिर जो चीज़ आंखों को अच्छी लगे ना तो खाने में भी फिर मज़ेदार लगती है और यहाँ पे जी अभी वासफ ने ना मुझे ला दी थी स्क्रम्बल कुकीज़ क्योंकि मेरा काफ़ी दिनों से दिल करता जब से मैं पाकिस्तान से आई थी ना मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना इनकी ना चॉकलेट चिप वाली कुकी ना ट्राई करूँ कुकीज़ देख के तो मेरे से रहा नहीं गया तो मैंने निम्बा को भी प्लेट में नहीं डाल के दी जल्दी से पहले खुद हैफ़ करके तो खाना शुरू कर दिया लेकिन कुकीज़ बहुत ही मज़ेदार थी अगर आपने अभी तक ये कुकीज़ ट्राई नहीं की तो मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा ये फ़्रेश बेक करके बना के देते हैं और बहुत ही यमी होती हैं तो अभी जब पाकिस्तान से आए ना तो फिर आपको पता है अमेरिका के फूड की बहुत ज़्यादा क्रीमिंग होती है जब हम यहाँ पे होते हैं हमें पाकिस्तान के फूड की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा कुकिंग इन्जॉय किया बहुत ही मजेदार लगा थैंक यू सो मच वासिफ़ और अभी यहाँ पे बनाने लगे थी जी रोटियाँ आटा थोड़ी देर बिस्म गया था लेकिन अभी भी मुझे पता है कि ये रोटियाँ इतनी अच्छी नहीं बनेंगी क्योंकि फ्रेश आटा है ना हाथों को इतना चिमटता है ना सब यहाँ पे मुझे बार बार कह रहे थे कि बाजी खाना कब तक रेडी हो जाएगा हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है क्योंकि मैंने बुलाग के चक्करों में ना खाने को थोड़ा देर कर दिया क्योंकि बार बार क्लिप को बंद करना स्टार्ट करना तो फिर इसमें टाइम तो लगता है ना लेकिन है ना सालन तो एकदम से रेडी था स्टीम पे था अभी बस रोटियों की बारी थी मुझे था जल्दी जल्दी स्पीड के साथ मैं रोटियाँ बना लूँ और फिर सब मिल हम लोग बैठ के डिनर करेंगे इन शाला तैसे तो मैंने कहा था कि अगर आप लोगों को भूख लगी तो जैसे जैसे रोटियाँ बनती जा रही हैं आप लोग लेते जाएँ और डिनर कर लें लेकिन सब कह रहे थे नहीं बाजी मिल बैठ के हम इकट्ठे ही डिनर करेंगे क्योंकि हमारी आदत कि हम लोग सब ना डिनर का जो टाइम है ना वो कट्ठे बैठ के हमने खाना खाना होता है बाकी का टाइम ब्रेकफास्ट में भी आपको पता है हर कोई काम पे जाता है तो वो अपनी मर्ज़ी से फिर जैसे जैसे जिस जितने जितने बजे जाना हो ना उसी हिसाब से ये ना ब्रेकफास्ट करके चले जाता है मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ बच्चों की वजह से तो फिर बच्चों के साथ आपको पता है थोड़ी सी ना मदर की रूटीन थोड़ी डिफरेंट होती है अलहमद लाला सारी रोटियाँ मैंने बना ली थी रोटियाँ बनाने के बाद मेरी हमेशा से रूटीन है कि मैं क्या करती हूँ जो काउंटर है ना उसके ऊपर जो बिखरा हुआ आटा होता है ना मैं उसको एक नैपकिन के साथ लेके अच्छे से इकट्ठा करके ना एक शॉपर बैग में डाल के रखती हूँ इधर उधर नहीं फेंकती क्योंकि आटा जो है ना ये अल्लाह पाक का नूर होता है और रिज़क की वैसे भी कदर करनी चाहिए तो बस यहाँ पे ना जैसे ही ना रोटियाँ बनाने के बाद एक बार काउंटर को अच्छे से ना टा, टावल के साथ गीले टावल के साथ या नैपकिन के साथ साफ़ कर लेना तो फिर वो जो आटा है ना वो वहाँ पर ना जमता नहीं है तो अभी बस एकदम से सारा डिनर रेडी था अभी बस हम लोग जल्दी से बैठेंगे और जल्दी से करेंगे जी डिनर और आप लोगों से लेंगे जी इजाज़त आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा है अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और दुआ में याद रखिएगा फिर मिलेंगे गुड नाइट टेक केयर अल्लाह हाफिज़